नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टुकवाड़ा में सरकारी आंगनवाड़ी में बर्थडे पार्टी प्रकरण में पूर्व होमगार्ड सहित 11 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। वापी बलीठा निवासी एक महिला बनी धोखाधड़ी का शिकार। वलसाड पालिका के भंगार घोटाले प्रकरण में अपक्ष के साथ शासक पक्ष भी मैदान में। दादरा नगर हवेली कांग्रेस के नेता प्रभु टोकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार में। टुकवाड़ा में सरकारी आंगनवाड़ी में बर्थडे पार्टी प्रकरण में पूर्व होमगार्ड से 11 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। टुकवाड़ा गांव के गणेश भाई धीरूभाई हलपति ने वलसाड जिला कलेक्टर को की फरियाद में बताए अनुसार टुकवाड़ा गांव में ओवरफलिया में आए सरकारी आंगनवाड़ी के मकान में होमगार्ड और अन्य गुनाहित इतिहास वाले लोगों ने गैर कानूनी प्रवेश कर बर्थडे पार्टी मनाई थी, जिसमें किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग रखने में नहीं आया था वगैरह फरियाद की थी। इस फरियाद के अनुसार कलेक्टर कचहरी द्वारा वलसाड जिला पुलिस को जांच करने कहा था और जिला पुलिस ने पारडी पुलिस को इस मामले जांच करने का आदेश देते पारडी पुलिस के ASI कैलाश भाई ठाकुर ने खुद फरियादी बन 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें योगेश मोती पटेल, ललित खंडू पटेल, पूर्व होमगार्ड चैमल बहादुर पटेल, केतन रमेश पटेल, चिग्नेश शेवर पटेल, यतीन हसमुख पटेल, हिरेन ईश्वर पटेल, दिव्येश मनोज पटेल, हितेंद्र प्रेमा पटेल, अंकित हसमुख पटेल, सूरज उर्फ सुरेश जीवन पटेल, यह सभी टुकवाड़ा ओवरफलिया निवासी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की कलम के तहत गुनाह दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। वापी में बलीठा में एक विधवा महिला हुई धोखाधड़ी का शिकार। समाज में कभी महिला तो कभी पुरुष पक्ष द्वारा धोखा होने के किस्से होने के बावजूद लोग जागरूक नहीं होते और किसी भी तरह प्रेम जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा वापी के बलीठा में रहती विधवा महिला के साथ हुआ होने का सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार वापी नजदीक के बलीठा में आई एक होटल में विधवा महिला नौकरी करती थी। वो जहाँ नौकरी करती थी वहाँ दो सहकर्मचारी युवक भी नौकरी करते थे। दोनों युवक के पिता मुकेश ढोलकिया को गाड़ी की किस्तें भरने बाकी थे, जिससे उसने होटल में काम करती विधवा महिला के पास ब्याज से पैसे मांगे थे। महिला दयालु होने से उसकी बात में आ गई और 2.80 लाख की मदद की थी, जो कि इतनी बड़ी रकम ना चुकानी पड़े इसलिए मुकेश ढोलकिया ने महिला के सामने प्यार और शादी की बात की थी और उसने बीवी को तलाक दे दिया होने का बताया था, जिसकी बात में विधवा महिला आ गई थी और पैसे की मांग नहीं की थी। मुकेश ढोलकिया ने भी अपना रंग दिखाया था और उसने महिला के ATM कार्ड से कई बार महिला की जानकारी बिना पैसे उठाए थे, जिसकी जानकारी महिला को होते तुरंत ही उसने ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद एक दिन मुकेश ढोलकिया ने महिला के घर पहुंचकर गाली दी थी और बताया था कि तुझे पैसे ना लौटाने पड़े इसलिए शादी की लालच दी थी, जिसके बाद महिला निराश हुई थी और आखिर में वापी टाउन पुलिस में इस मामले फरियाद दर्ज करवाई थी। अब पुलिस विधवा महिला को कैसा न्याय दिलाएंगे यह देखना रहा। मेरा नाम सुभद्रा है और उसका मुकेश नाम है। वो ना होटल पर मेरे को मिला और उसका दोनों लड़का था, दोनों लड़के भी साथ में काम करता था मेरा। तो वो ना मेरे से झूठा सच्चा वादा दिया कि मैं तुम्हारा से शादी करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, फिर झूठ साच बोल के मेरे से, और मेरे को जानकार हो गए, उसको जानकार हो गया मेरे बारे में कि उसके पास पैसा है, फिर ज़बरदस्ती मेरे से पैसा लिया। बोलता है कि गाड़ी कहाँ का भरने का है, पैसा दे दो, पैसा दे दो। जब पैसा दे दिया ले लिया तो बोलता है कि मैं शादी करूँगा, फिर शादी करूँ, बोले चलो ठीक है शादी करेगा, तो फिर शादी भी नहीं किया। और मेरे को 6-7 महीना से ऐसे मेरे को बोलता है कि शादी, अब बोलता है कि नहीं रखूँगा। 1 महीना से पहले बोलता था कि रखूँगा शादी करूँगा, अब उसका बीवी बोलता है कि बीवी नहीं है और कहीं चली गई है। उसका लड़के भी बोल रहा था कि मेरा मम्मी नहीं है, मेरा पापा के साथ शादी कर लो। फिर मैं बोला सोचो जाने कि हमारा कोई नहीं आगे पीछे, तो जान दो सहारा मिला है तो अभी कर लेते हैं। फिर बाद में पैसा सब मेरा ले लिया, 2.5 लाख रुपया कम से कम लिया है, अभी तक से नाम नहीं ले रहा देने के लिए, और मोबाइल का नंबर है तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो भी नहीं बात होती है। कभी कभी वो फ़ोन करता है तो करता है, ना तो नहीं करता है, और गाली देता है। फिर उसका गांव में मैं गई तो उधर भी मेरे को मारा पीटा, और फिर
घर, इधर लेके आया, अपने घर पर नहीं लेके गया था, दूसरे का घर पर लेके गया था, उधर से लेके आया तो इधर मेरे के मारा। और फिर मैं अपने से गई 10-15 दिन के बाद, अकेली गई उसका घर पर। उसका दोनों लड़के को हम मोबाइल दिया था 24,000 का दिया था, तो बड़े वाला लड़का घर पर था, मैं गई थी तो अकेले उसका एड्रेस पता पर, तो गई तो उसका मोबाइल लेके आई, तो उधर चौराहे पर मिला हमसे। उसका लड़का बोला कि आई है घर पर, तो चौराहे पर मिला, रिक्शा में बैठ के आए रहे थे, तो फिर उधर मिला तो मेरे को बहुत मारा, उधर भी मारा, और दो दिन के बाद इधर आके इधर भी फिर मारा मेरे को बहुत मारा। तो मैं हॉस्पिटल में 2-3 घंटा में दाखिल थी, फिर उधर से फिर मैं फिर केस किया, मेरे को बहुत मारा, बोलता है कि मैं मारूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। फिर चाकू लेके आया था, 500 का चाकू लिया है साथ में, मर्डर करने वाला, बोलता है कि मैं मर्डर कर दूंगा, तुमको ज़्यादा बोलेगी तो तू जो करना होगा वो कर ले, तेरा आगे पीछे कोई नहीं, देख लेती हूँ तुम्हारा कौन सहारा करता है, ऐसा ऐसा बोला था। केस किया वापी में, और मोरबी का रहने वाला है, मोरबी मैं अकेला गई थी, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, इसके लिए मैं सोचा कि चलो जाने दो, मैं अकेली हूँ तो थोड़ा बहुत सहारा तो देगा। तो जो पैसा था मेरा, आदमी एक्सपायर हो गया था, 1.5 वर्ष हो गया एक्सपायर होके, तो उसका बिलेसपन कंपनी से पैसा मिला था, वो ड्राइवर था, तो उधर से पैसा मिला था, तो वो ना पैसा में रखी थी। अभी कहाँ रहते हो? अभी मैं अशोक कचाली में रहती हूँ। कहाँ पे? ये बलिशा फाटक पर। वलसाड पालिका के भंगार घोटाले प्रकरण में अपक्ष के साथ शासक पक्ष भी मैदान में। वलसाड पालिका के चकचार भंगार घोटाले में अब कारोबारी समिति के चेयरमैन सहित सभी 10 सभ्यों ने विभागीय तपास के बाद जवाबदार कामदार और कसूरवारों के खिलाफ सिविल के साथ साथ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति का पत्र चीफ ऑफिसर को लिखा है। ड्रेनेज कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर और वार्ड नंबर 7 के अपक्ष महिला का पति साजिद उर्फ शेरू शेख ने मिलकर पार्डी सांठपुर स्थित पालिका की डंपिंग साइट पर के पुराने एसटीपी प्लांट के भंगार का निकाल किया था। इस किस्से में किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था और 7 महीने तक भंगार के पैसे पालिका में जमा ना करवाए होने का रिपोर्ट ड्रेनेज इंजीनियर के यू राठौर ने बीती दिनांक 18/5/2020 के दिन सीओ को किया था। इस मामले कई वक्त से अधिकारी और पदाधिकारी के बीच मानो जैसे खेल चल रहा हो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस मामले लंबी चर्चा के अंत में कारोबारी चेयरमैन भरत उर्फ कानो पटेल सहित समिति के सभी 9 सभ्यों की हस्ताक्षर वाला पत्र सीओ को सौंपा था, जिसमें गुजरात पालिका अधिनियम की धारा 50-53 और 24-3 तथा संदर्भ के 3 प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभागीय जांच के अंत जवाबदार कामदार और अन्य कसूरवार के खिलाफ सिविल के साथ साथ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति का पत्र चीफ ऑफिसर को देने वाले हैं, ऐसा बताया था। वलसाड नगर पालिका के बहुचर्चित भंगार घोटाले में कारोबारी चेयरमैन भरत भाई सी पटेल, सदस्य सोनल सोलंकी, जस्टिका डी पटेल, धर्मेश ए पटेल, छाया यू पटेल, निमिषा छे टंडेल, भारती एम पटेल, प्रवीण एस पटेल, धर्मेश ए पटेल, कल्पना आर भानुशाली ने यह घोटाले की जांच करने की मांग की है। साथ ही में अपक्ष सदस्य राजू भाई मर्चा ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज भाई आहिर को इस घोटाले में ढीली नीति अपनाने के लिए उनके इस्तीफे की मांग की थी। वलसाड मा जे भंगार नु प्रकरण छे, तारीख 14/7 रोज अध्यक्ष कारोबारी चेयरमैन शासक पक्षना नेता अने माजी नगरपालिका प्रमुख सोनलबेन सोलंकी अने बीजा अमारा साठी सभ्य जस्टिकाबेन, धर्मेशभाई, छायाबेन, निमिषा, भरतबेन पटेल, प्रवीण छोटू, धर्मेश अने कल्पनार भानुशाली, आ तमामे चीफ ऑफिसर साहेब ने जे चीफ ऑफिसर साहेब दर वखते अमे जे फरियाद करेली छे पोलिस भंगार बाबत में फरियाद लेवा बाबत, तो माननीय श्री डीएसपी साहेब अने वलसाड़ना पीआई साहेब, आ चीफ ऑफिसर साहेब तमाम खाता के नगरपालिका सभ्य दरेक ने गैरमार्गे दौड़ी रहा है कि कारोबारी में थड़ाव करो, जनरल वोर्ड में लाओ, आटागूटी करीने समय पसार करता है। हवे काले जोवा जाइए तो भारतीय जनता पार्टी 10 सभ्य जेवा अने अपक्ष एम करीने 18 सभ्यए चीफ ऑफिसर ने लिखित में मौखिक में मीडिया द्वारा डायरेक्ट रीते जाण करी छे कि भाई भंगार प्रकरण में फरियाद करो, पण चीफ ऑफिसर साहेब वलसाड नगरपालिकाना प्रमुख आ वलसाड नगरपालिकाना चीफ ऑफिसर अने वलसाड नगरपालिकाना प्रथम नागरिक पंकजभाई आहिर प्रमुख
એમના કેમ પગ ડગમગાવે છે અને એમના કેમ હાથ ધોજે છે પોલીસ ફરિયાદ કરતા અમને એ સમજાતું નથી. દાદરાનગર હવેલી કોંગ્રેસ કે નેતા પ્રભુભાઈ ટોકિયાને પ્રેસ વાર્તા બોલાવકર કહા દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશ વિનાશ કરને વાલી પ્રોજેક્ટો કે વિરોધ મેં એક લાખ શાહીન અભિયાન ચલાકર વિરોધ દર્જ કરેંગે. દાદરાનગર હવેલી કોંગ્રેસ કે નેતા પ્રભુભાઈ ટોકિયાને આજ અપને કાર્યાલય પર પ્રેસ વાર્તા કા આયોજન કિયા જિસમે ઉન્હોને કહા કે દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશ મેં વિનાશ કરને વાલે પ્રોજેક્ટો કે વિરોધ મેં એક લાખ શાહીન અભિયાન ચલાકર વિરોધ દર્જ કરેંગે. પ્રેસ વાર્તા કે દૌરાન ઉન્હોને કહા કે જબસે કેન્દ્ર મેં ભાજપા કી સરકાર આઈ હૈ તબસે દાદરાનગર હવેલી પ્રદેશ મેં જનપ્રતિનિધિઓ और लोकतांत्रिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. आज केंद्र सरकार कोरोना महामारी की आड़ में देश की सरकारी संपत्ति को निजी लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है. आज प्रदेश की जनता आर्थिक चपेट में है. प्रशासन के रवैये से जनता खौफ में जी रही है. दीव दमन दादरा नगर हवेली प्रशासन आम जनता को सहयोग करना किंतु ऐसा न करते हुए प्रशासन ने विद्युत विभाग का बिल बढ़ाकर विद्युत विभाग को निजी हाथों देने की तैयारी कर ली है. आदिवासी समाज के अधिकार जो कि अनुसूची 5वीं के अधीन कार्यों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है. दादरा नगर हवेली प्रदेश बिल्कुल अनाथ हो गया है और चुने हुए जनप्रतिनिधि और भाजपा ऐसे कठिन समय पर लड़ने के बजाय हथियार डाल दिए हैं. इन सभी मुद्दों को ध्यान पर रखते हुए कांग्रेस पार्टी 1 लाख लोगों की शाइन लेकर रोड पर उतरेगी एवं उपरोक्त सभी बातों का प्रशासन और दिल्ली कांग्रेस हाईकमान समक्ष विरोध दर्ज करवाएगी. प्रदेश में पिछले कई सालों से चल रहे हम कहते आए कि दादरानगर में बिल्कुल लोकशाही बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो चुका है. ये हम पिछले 2-4-5 सालों से कहते आ रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर आप देख रहे हैं कि अभी हमने कुछ मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया से सुना पेपरों में पढ़ा कि इसी चीज़ को लेकर सांसद भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं. तो हम तो जब आज सांसद जो चीज़ कह रहे हैं वो तो हम पिछले 8-10 साल से कह रहे हैं कि कोई प्रदेश में कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है. प्रदेश में अधिकारियों को तानाशाही कुछ अधिकारियों को तानाशाही नेताओं की तानाशाही बढ़ गई है ऐसा हम तो पहले से कहते आ रहे हैं. तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हम एक मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं कि जो प्रदेश में जो चल रहा है उसको लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और उसमें अभी हम आज से एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं कि जो 1 लाख लोगों का सिग्नेचर अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे मुद्दे यही है कि जो प्रदेश में जो जितने भी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो विकास के नाम पर जो विनाश करने वाले हैं जैसे कि अभी रोड का जो चौड़ाई करने की बात आ रही है जिसमें कोई 35 मीटर, 45 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर ऐसे जो रोड ये हैं तो इससे नगर पालिका के विस्तार में और ग्रामीण विस्तारों में आदिवासी विस्तारों में बहुत से सैकड़ों लोग उसमें घर टूटेंगे और ऐसे इतने बड़े रोड की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात ये कि जो रोड को लेकर जो है यहाँ पर सिर्फ अधिकारियों ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया और रोड चौड़ाई करने का काम शुरू हो गया तो इसको ये जो 20 पंचायत है वहाँ के जनप्रतिनिधि है वहाँ के जो लोग हैं जनता है उसकी भी राय लेनी चाहिए. आप विकास करो यहाँ प्रशासन है यहाँ कोई सरकार नहीं किसी की एक यहाँ पर जो अधिकारी पर बैठा है वो एक सीधा कोई भी कानून बनाकर हमारे ऊपर थोप नहीं सकते उसको हमारे कारण पर लोगों की जनता की आप राय लेकर कोई भी चीज़ बनाइए सर. तो हम ये बात है. दूसरी बात ये है कि जैसे भी अभी कोरोना महामारी के आड़ में अभी आपको पता है कि पूरे देश में यहाँ पर जो सरकारी संपत्ति है वो निजी लोगों के हाथों में दी जा रही है. उसी बेस में यहाँ पर जो हमारे प्रदेश में जो विद्युत विभाग है उसको ये लोग यहाँ पर निजी लोगों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं और साथ ही जो विद्युत विभाग का जो अभी ऐसे महामारी में आर्थिक मंदी में दूसरा और बहुत डाल दिया ये लोगों ने बिल में आपका जो भाड़ा बढ़ा दिया तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदेश जनता के ऊपर बहुत सारा आर्थिक दबाव आएगा. साथ ही यहाँ पर डीजल की बात आ रही है पेट्रोल की बात आती है ये होम टैक्स की बात है ये बढ़ा रहे हैं तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं या फिर आपका नगर पालिका के विस्तार में या आपका जिला पंचायत विस्तार में जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में जो भ्रष्टाचार करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है या फिर आपका आरटीओ मीटर की बात आ रही हो ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर 15 से 20 मुद्दे हैं. तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम जनसंपर्क अभियान कर शुरू कर रहे हैं और 1 लाख लोगों को हम सिग्नेचर करने जा रहे हैं और ये सारी जो प्रदेश चल रहा है ये अभी हम आम पब्लिक के आम जनता को नागरिक को बताएंगे यहाँ पर कि ये प्रदेश ऐसा हो रहा है और उसके ऊपर हमें विरोध दर्ज करना है. तो 1 लाख लोगों में हम साइन कर मात्र प्रशासन के समक्ष हम इसका विरोध दर्ज करेंगे और प्रशासन को इस मुद्दों को लेकर हम अल्टीमेट देंगे. साथ ही यहाँ पर प्रशासन के सामने विरोध दर्ज करेंगे लेकिन तमाम मुद्दे हम कांग्रेस की हाईकमान को भी वहाँ ये करेंगे कि प्रदेश में ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ ये एविडेंस है ये जो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं इसके साथ हमारे पास एविडेंस भी है जो हुआ है
ये सारी चीजों को लेकर हम वहाँ पर हमारे जो कांग्रेस हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे वरिष्ठ साथी जो भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको भी ये सारी चीज़ अवगत किया जाएगी। और उसके बाद हम ये पहला पड़ाव रहेगा, सेकंड पड़ाव में अगर ये मुद्दों को लेकर ये इश्यू को लेकर दाना प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो उसके बाद हमारा सेकंड रूट होगा कि इसको हम जन आंदोलन करेंगे। और ये जन आंदोलन हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व के अगुवाई में यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये पहले अभी हम तो अभी आज से मूवमेंट शुरू हो रहा है, हमारे जो 1 लाख लोगों को साइन सिग्नेचर अभियान शुरू हुआ है आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद ये इसका हम सबमिट करेंगे ये सारी चीज़ें और उसके बाद प्रशासन से वार्तालाप होगी, चर्चा करेंगे इस मुद्दों को लेकर है प्रदेश क्या करना, सब जनहित के प्रदेश हित के मुद्दे हैं, इस मुद्दे को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और 15-20 दिन के हम उनको अल्टीमेट देंगे, अगर हमें राइटिंग में कुछ नहीं आता है तो उसके बाद हम आंदोलन घोषित करेंगे। उमरगांव तालुका में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश से जगह जगह लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। मध्यम से भारी बरसात की आगाही के बीच वलसाड जिला में बारिश का माहौल छा गया है। तब सुबह 6 से 8 के बीच उमरगांव तहसील में 1.5 इंच बारिश हुई जिसको लेकर निचले इलाकों में पानी भर गया है। वलसाड जिला में बारिश की आगाही के बीच सभी 6 तहसील में बारिश हो रही है जिसमें सुबह 6 से 8 के बीच 2 घंटे में उमरगांव में 1.5 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है जब अन्य तहसील में हल्की बारिश हुई है। उमरगांव में 1.5 इंच बारिश की वजह से गांधीवाड़ी पावर हाउस के निचले इलाकों में पानी भर गया है जिससे निचले इलाके के लोगों को मुसीबत हो रही है। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
बाद फिर से स्वागत है आपका। दमन में बुधवार को 12 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। बुधवार को 17 मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 101 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 185 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में बुधवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 59 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिसमें से 21 डाबेल में, 10 कचीगाम में, 3 तुनेठा में, 6 तलवाड़ा में, 1 वरकुंड में, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में है और 17 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दमन में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अब लोग और स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी को रोकने के लिए एकजुट होकर सामने आना जरूरी बन पड़ा है। वलसाड जिला में बुधवार को 11 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तभी वलसाड जिला में बुधवार के दिन कोरोना के और 11 केस पॉजिटिव सामने आए थे। बुधवार को आए 11 केसों में से 2 वलसाड से, 2 पारडी से, 7 वापी के विस्तार में से है। इसी के साथ बुधवार को 14 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 180 कोरोना मामले सक्रिय है और 186 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में बुधवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। बुधवार को 11 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 17 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 171 लोग स्वस्थ हुए हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 76 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं जिनमें से 4 दादरा पंचायत में, 9 नरोली पंचायत में, 8 सामरवर्णी पंचायत में, 1 रकोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंधुनी पंचायत में, 4 गलोंडा पंचायत में, 2 साइली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में, 1 सुरंगी पंचायत में, 40 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। सीनियर सर्जन डॉक्टर संजय वर्मा को मिला मरवट अस्पताल के इंचार्ज का जिम्मा। डॉक्टर शैलेश आर्लेकर का मोटी दमन सीएचसी तबादला। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव स्वास्थ्य उप सचिव एस कृष्णा चैतन्य ने एक आदेश जारी कर बताया है कि मरवट सरकारी अस्पताल में डॉक्टर संजय वर्मा इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर संजय वर्मा सिलवासा के श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में अपनी ड्यूटी के साथ साथ मरवट अस्पताल में इंचार्ज पद भी संभालेंगे। वहीं वरिष्ठ प्रसूति चिकित्सक डॉक्टर शैलेश आलेकर का मरवट सरकारी अस्पताल में इंचार्ज पद से मोटी दमन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक ग्राउंड पर ट्रांसफर किया गया है। पारडी के किले पर पूर्व पश्चिम जोन के पानी की लाइन की कामगिरी 90% पूर्ण होने की तैयारी। पारडी पालिका हद विस्तार में पूर्व और पश्चिम जोन पानी की एसटीपी लाइन की कामगिरी के बाद अब पारडी के किले पर आई दोनों टंकी के पाइपलाइन का काम विधायक कनुभाई देसाई के दिशा निर्देश अनुसार पालिका के प्रमुख फाल्गुनी बहन भट्ट, चीफ ऑफिसर प्राची दोषी, कारोबारी अध्यक्ष देवेंद्र साह, वाटर वर्कर्स चेयरमैन निकिता बहन पटेल और कंसल्टेंट वापी नोटिफाइड की निवृत्त हरीश भाई पटेल के साथ रहकर पारडी के लोगों को पीने का पानी मिले उस हेतु को ध्यान में लेकर निरंतर 3-4 माह से इस कामगिरी में वाटर वर्क्स के सुपरवाइजर गनी शेख उनकी टीम के साथ यह कामगिरी अब तक 90% की कामगिरी पारडी किले पर पूर्व पश्चिम जोन के पानी की पाइपलाइन की पूर्व और पश्चिम विभाग को जोड़ने की कामगिरी आज रोज बुधवार को किला पर काम चालू रख नजदीक के दिनों में अब पालिका के सत्ताधीश निर्णय लेकर लोगों को पानी पहुँचाने का प्रयास पालिका की वाटर वर्क्स की टीम कर रही है। જીઓ ડીસી દ્વારા બનાવવામાં આવેલ જે પ્લાન્ટ જેની કામગીરી અધૂરી હતી એ કામગીરી નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી, ચીફ ઓફિસરશ્રી, કારોબારી અધ્યક્ષ તેમજ વોટરવર્ક્સ ચેરમેનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ
જે અધૂરા કામો જે હતા એ અધૂરા કામો કિલ્લા પર જે અત્યારે હાલે કિલ્લા પર કામગીરી ચાલે છે. જે કામગીરી નવી ટાંકીનું કનેક્શનનું કામ છે અને જૂની ટાંકીનું બી કનેક્શનનું કામ ચાલે છે. બંને ટાંકી ચાલુ થાય અને બંને પૂર્વ અને પશ્ચિમ ઝોનમાં બી કનેક્શન પ્રમાણે આપણે ભરીને પાણી આપી શકાય. તેમજ અગાઉ ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ એમને જે પેલા હરીશભાઈ જે પટેલ ઇજનેરસિંહને જે મોકલેલા હતા એમના માર્ગદર્શન હેઠળ કલરવ હોસ્પિટલ પાસેની કામગીરી જે પાઇપલાઇનની એ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને હાલે કિલ્લા પરની કામગીરી ચાલે છે. અમારું કમસે કમ 90% જેવું કામ પૂર્ણ થયું છે અને અમારા હાલની બોડી જે બોર્ડ જે છે એ બોર્ડના માર્ગદર્શન હેઠળ એ લોકો જ્યારે કહેશે ત્યારે ચાલુ કરવામાં આવશે. હાલે કિલ્લા પરની કામગીરી બંને ટાંકીનું કનેક્શન ઇનલેટ અને આઉટલેટ પૂર્ણ થવામાં આવે છે અને એક જ કનેક્શન જે બાકી છે જે તમે જોયું હશે. અને હવે કિલ્લા પરની જે કામગીરી પૂર્ણ થશે 90% કામ પૂર્ણ થઈ જશે અને બાકીની જે કનેક્શન જે આપણને છે કનેક્શન અપાઈ જશે અને ટૂંક સમયમાં પ્લાન્ટ ચાલુ થઈ જશે. જીઓડીસી દ્વારા બનાવેલા પણ કામ પૂર્ણ થઈ અને કામ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. મોહન ગાંવ કે સ્થાનિક વિસ્તાર મેં લોકો કો અજગર દેખતે સામાજિક વન વિભાગ કો જાણકારી દેતે વન વિભાગ દ્વારા એનજીઓ કે સાથ મિલકર 12 ફૂટ જીતના લંબા અજગર પકડા થા. ઇસ અંતર્ગત મિલી જાણકારી કે અનુસાર વાપી નજદીક ઉમરગાંવ તહેસીલ કે મોહન ગાંવ મેં અનિલભાઈ નામક વ્યક્તિ કે ઘર મેં મુર્ગી કા શિકાર કરને આયા લંબા સાપ દેખતે લોગો મેં ભગદડ મચ ગઈ થી. બડે કદ કા સાપ હોને કી જાણકારી હોતે સ્થાનિક લોક ઇકઠ્ઠા હો ગયે થે. સ્થાનિક આગેવાન ઓર ગાંવ કે સરપંચ સતીશભાઈ દ્વારા સામાજિક વન વિભાગ કે RFOPU પરમાર કો જાણકારી દેને મેં આઈ થી, જિસકે બાદ તુરંત વન વિભાગ કે ફોરેસ્ટર કલ્પેશભાઈ માલી અપની ટીમ કે સાથ મોહનગાંવ પહોંચ કર એનજીઓ કી ટીમ કો જાણકારી દેતે એનજીઓ કી ટીમ ભી મોહનગાંવ પહોંચ કર અજગર કો પકડ કર સુરક્ષિત જગા છોડને મેં આયા થા. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर. टुकवाड़ा में सरकारी आंगनवाड़ी में बर्थडे पार्टी प्रकरण में पूर्व होमगार्ड सहित 11 व्यक्ति को किया गिरफ्तार. वापी बलेठा निवासी एक महिला बनी धोखाधड़ी का शिकार. वलसाड वालिका के भंगार घोटाले प्रकरण में अपक्ष के साथ शासक पक्ष भी मैदान में. दादरा नगर हवेली कांग्रेस के नेता प्रभु टोकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज. कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे. तब तक हेमा की कोटेचा को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.